इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप लगातार खुद को अपडेट करता रहता है। इस बार भी व्हाट्सएप ने खुद को अपडेट किया है। व्हाट्सएप पर आए इस नए फीचर को डिसअपीयरिंग फीचर का नाम दिया गया है। इस फीचर में एक घंटे में मैसेज डिलीट करने के अपडेटेड वर्जन भी आप कह सकते हैं। इस फीचर को एक्टिव होने के बाद व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज, फोटो और वीडियो एक सप्ताह के बाद खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। यह बिल्कुल जीमेल, टेलीग्राम और स्नैपचैट पर मौजूद फीचर की तरह ही काम करता है। खैर, बड़ा सवाल यह है कि यह फीचर एक्टिव कैसे होगा। आइए हम एक एक कर इसके स्टेप की बात करते हैं। व्हाट्सएप के डिसअपीयरिंग फीचर को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करना होगा। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद अगर हम किसी सिंगल पर्सन को डिसअपीयर करना चाहते हैं तो उसके कॉन्टैक्ट पर जाएंगे। उसके कॉन्टैक्ट पर जाने पर हम यहाँ इनका प्रोफाइल ओपन कर रहे हैं। प्रोफाइल ओपन करने के बाद हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर ऑप्शन है डिसअपीयरिंग मैसेज का। डिसअपीयरिंग मैसेज पर क्लिक करते हैं। आइए देख, डिसअपीयरिंग मैसेज पर क्लिक करने पर हमें ये मिल रहा है। आइए पढ़ते हैं, टर्निंग ऑन दिस सेटिंग विल मेक न्यू मैसेज डिसअपीयर फ्रॉम दिस चैट आफ्टर 7 डेज। Recent can still save this message elsewhere. तो यहाँ बता रहा है कि 7 डेज के बाद, 7 दिनों के बाद आपका जो चैट है वो यहाँ से खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। अगर आप इस चैट को कहीं सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आइए इस ऑप्शन को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम यहाँ से बैक होते हैं, फिर हम इस कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज उधर जा रहा है, योर टर्न ऑन डिसअपीयरिंग मैसेज, न्यू मैसेज विल डिसअपीयर फ्रॉम दिस चैट आफ्टर 7 डेज, टैप टू चेंज। तो ये जो मैसेज यहाँ दिख रहा है वो उस कॉन्टैक्ट के पास भी जाएगा। अगर वो कॉन्टैक्ट ओके करता है तब आपका चैट यहाँ से 7 डेज के बाद ख़त्म हो जाएगा। आइए, ये बात हुई सिंगल कॉन्टैक्ट की। इसके बाद हम बात करते हैं क्या ये ग्रुप में भी अप्लाई होता है। तो ग्रुप में, तो इसमें से हम किसी भी एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। इस ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिसअपीयरिंग मैसेज को ऑप्शन दे रहा है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप इस ग्रुप के एडमिन हैं। अगर एडमिन हैं तो आपको यहाँ डिसअपीयरिंग मैसेज का ऑप्शन दे रहा है। आप चाहें तो इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आइए हम दूसरे ग्रुप में देखते हैं जिसके हम एडमिन नहीं हैं, क्या ये उस पर भी वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ से किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक ग्रुप को सिलेक्ट किए हैं, इसके हम ग्रुप एडमिन नहीं हैं। तो हम ग्रुप एडमिन नहीं हैं तो यहाँ पर हमें डिसअपीयरिंग मैसेज का ऑप्शन नहीं दे रहा है। यानी कि साफ है, अगर आप ग्रुप के एडमिन है तभी ये वर्क करेगा। अगर आप ग्रुप के एडमिन नहीं है तो डिसअपीयरिंग मैसेज का ऑप्शन आप पर नहीं आएगा। मतलब यह है कि डिसअपीयरिंग मैसेज ऑन करने के बाद निश्चिंत होना ऑप्शन नहीं है। कहा जाए तो डिसअपीयरिंग फीचर एक ऑप्शन है जिससे आप चैट क्लियर करने के ऑप्शन से बच जाएंगे। और कुछ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शाजिया और आप देख रहे थे जनबोल।